हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस स्वामीनाथन के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एमएस स्वामीनाथन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों चर्चा में है एमएस स्वामीनाथन। तो ये जान लीजिए कि एमएस स्वामीनाथन अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में है, चर्चित व्यक्तित्व है, और चर्चा का कारण क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक यानी अगुआ माने जाते हैं, जिनका हाल ही में 28 सितंबर 2023 को क्या हो गया है, निधन हो गया है। और इसी कारण क्या है कि भारत के अंतर्गत डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन काफी चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि आइए जानते हैं स्वामीनाथन के बारे में। तो देखिए, एमएस स्वामीनाथन के बारे में हम जानते हैं, इनके बारे में आपको बेसिक यानी इनकी बायोग्राफी से लेकर इनकी हिस्ट्री और इनके सारे कार्यों के बारे में आपको बतलाऊंगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पर गौर कीजिएगा। देखिए, इनका जो पूरा नाम था मन कोम्बू संवार शिवन स्वामीनाथन था। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और इनका जन्म कुंभकोणम में हुआ था, जो तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में पड़ता है। इनके पिता का नाम डॉक्टर एम के शंभा शिवन था, माता का नाम पार्वती थंगम्मल था, पत्नी का नाम मीना स्वामीनाथन था, जिससे 1955 में इनकी शादी हुई थी। और इनकी पत्नी का भी पिछले साल यानी 2022 में ही हाल ही में निधन हुआ था, ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो इनकी शिक्षा के बारे में हम बता दें कि इन्होंने बीएससी केरल विश्वविद्यालय से की थी और इन्होंने जेनेटिक्स में एसोसिएटशिप कर रखी थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। इन्होंने पीएचडी की थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से इन्होंने 81 डॉक्टरेट उपाधियां प्राप्त कर रखी थी। अगर इनके बात करें व्यवसाय की, तो ये कृषि वैज्ञानिक थे, इसके अलावा पादप अनुवांशिकी विद भी थे। इनकी नियुक्ति की अगर बात करें तो वर्ष 2007 से लेकर 2013 ईस्वी तक ये राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं। ये इनकी बात इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछी जा सकती है कि एम एस स्वामीनाथन राज्यसभा के सांसद किस अवधि में रहे थे। तो 2007 से 2020 ईस्वी तक ये राज्यसभा में सांसद रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्य कहाँ कहाँ किया, तो आपको बता दें कि 1972 से लेकर 1980 ईस्वी तक ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के क्या रहे थे, महानिदेशक रहे थे। इसके अलावा 1982 से लेकर 1988 ईस्वी तक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI के क्या रहे थे, महानिदेशक रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं इनको अवार्ड्स के बारे में। इनको काफी ज्यादा अवार्ड्स एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और सम्मान हमने यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको वर्ष 1967 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बात नोट करनी है। वर्ष 1971 ईस्वी में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1972 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1979 ईस्वी में नॉर्मन बोर्डो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1987 ईस्वी में दुनिया का पहला विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार इनको मिला था। 1989 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 ईस्वी में इनको टाइलर अवार्ड दिया गया था और 1965 ईस्वी में चेकोस्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इनको मेंडल मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे इतने सारे हमने अवार्ड्स बताए हैं, जिनमें से आपको पद्मश्री अवार्ड, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फूड सेफ्टी यानी आपको फूड सेफ्टी अवार्ड भी याद रखना है। कुछ अवार्ड ऐसे हमने इम्पोर्टेंट सभी अवार्ड यहाँ पे ले लिए हैं, जिनके बारे में पूछा जा सकता है, आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इनकी बायोग्राफी से संबंधित, इनके जीवन से संबंधित कुछ बातें देख लीजिए कि एम एस स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र में महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने धान की ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1960 के अकाल में एम एस स्वामीनाथन ने अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और दूसरे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गेहूं की ज्यादा पैदावार वाले बीजों को विकसित किया था। एम एस स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1966 में मैकिस्को के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ हाइब्रिड करके हाई क्वालिटी के बीज को क्या किया था, विकसित किया था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट याद रखना कि इन्होंने क्या किया था,
एम एस स्वामीनाथन ने 1966 ईस्वी में मैकिस्को के जो बीज थे उनको पंजाब की जो घरेलू किस्मों की जो बीज थे गेहूं के, उनको दोनों को क्या करके मिक्स करके एक हाइब्रिड गेहूं का बीज बनाया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। बाद में हम MCQ भी करेंगे, यानी एम एस स्वामीनाथन से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वो भी देखिएगा कि एम एस स्वामीनाथन पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना और उसे स्वीकार किया, और इसके कारण ही भारत में गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि देखने को मिली, तथा साथ ही भारत गेहूं उत्पादन में क्या बना था, आत्मनिर्भर बन गया था। एम एस स्वामीनाथन अपने अंतिम समय तक किसानों की भलाई के लिए प्रयासरत थे, साथ ही उन्होंने किसानों के हालात सुधारने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की थी। इसी कृषि के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था स्वामीनाथन आयोग। अब देखिए स्वामीनाथन आयोग के बारे में जान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है कि 18 नवंबर 2004 की बात है। इस दिन क्या होता है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, और इस आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे, इस कारण इस किसान आयोग का नाम क्या पड़ गया था, स्वामीनाथन आयोग पड़ गया था। ये बात याद रखनी है, तो याद रखना राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 18 नवंबर 2004 को। इसके अध्यक्ष कौन बने, एम एस स्वामीनाथन। इसके अध्यक्ष जब एम एस स्वामीनाथन थे, इस कारण इस आयोग को धीरे धीरे लोगों ने स्वामीनाथन आयोग कहना शुरू कर दिया और उसका नाम क्या पड़ गया, स्वामीनाथन आयोग। इस आयोग ने लंबे समय तक किसानों को समझा और केंद्र से कृषि क्षेत्र में कई जरूरी सुधारों की मांग की थी। आज भी किसान बार बार आंदोलनों की मदद से इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते हैं, क्योंकि आज तक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को संपूर्ण रूप से यानी संपूर्ण तरीके से लागू नहीं किया गया है। ये बात नोट रख ली है। इसके बाद में देखते हैं हम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में हरित क्रांति के जनक या अगुवा किसे कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक या अगुवा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1970 के दशक में भारत के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1966 ईस्वी में इन्होंने पहली हाइब्रिड किस्म बनाई थी गेहूं की, मैकिस्को के गेहूं को लेकर और पंजाब के गेहूं को लेकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में किस फसल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई थी हरित क्रांति से, तो इसका सही आंसर होगा गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में किस राज्य को चुना गया था, तो इसका सही आंसर होगा पंजाब को चुना गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर होगा हरित क्रांति को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का पहला खाद्य सुरक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था 1987 ईस्वी में। ये थे दोस्तों डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।